नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको बहुत सी जानकारी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का सवाल है, अतिथि शिक्षक परेशान है, अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं, लेकिन 30 अप्रैल से सेवा समाप्त होने के बाद अभी तक भर्ती का कोई भी आदेश नहीं आया है। दोस्तों, सरकार आश्वासन दे रही है, पोर्टल में उलझा के रखा एक महीने से, और लेकिन इस बार तो पोर्टल दोस्तों सत्यापन EKYC अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन करवाए और इसके बाद में तारीख बढ़ती चली गई। और तारीख बढ़ते बढ़ते ऑटोमेटिक क्या हुआ दोस्तों, ना तो दूसरा कोई लेटर आया ना आदेश आया। 30 जून के बाद में अभी तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया कि ये अंतिम तिथि थी दोस्तों। और इसके बाद में आप अतिथि शिक्षक में अगर काम करना चाहते हैं, पहली बार अतिथि शिक्षक में काम कर रहे हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या प्रोसेसिंग है, सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड है, तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में अगर कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो थैंक्स और ज्वाइन बटन को क्लिक करके इंस्टाग्राम की लिंक आज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी दोस्तों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपसे डायरेक्ट चैट करूँगा, बात करूँगा दोस्तों, और मेरा आपको नंबर भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन स्कूल में आप काम करना चाह रहे थे, पर साल में क्या हुआ था, पिछले वर्ष जो अतिथि शिक्षक 2021-22 में जिन्होंने काम किया था उनका दोस्तों सब्जेक्ट पोर्टल पर नहीं दिख रहा था, तो प्रधान अध्यापक ने अतिथि शिक्षकों से कहा कि आप स्कूल आते जाइएगा, महीने दो महीने में आपका पोर्टल, यानी सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, वर्ग एक का सब्जेक्ट हो, वर्ग दो का सब्जेक्ट हो, या वर्ग तीन का सब्जेक्ट हो, हम संकुल से रिक्वेस्ट करवा के DPI से आपका सब्जेक्ट ओपन करा देंगे। लेकिन बेचारे पुराने अतिथि शिक्षक 5-6 महीना काम करते रहे और आखिरी तक उनका सब्जेक्ट नहीं दिखा, तो इसलिए आज मैं वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ, भर्ती के पहले पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती के पहले पहले आपको क्या प्रोसेसिंग करना है, जिससे कि आपको आदेश आने से पहले ही आपका सब्जेक्ट यानी पोर्टल पर दिखने लगे और आपका संकुल पे नाम फीड हो जाए। जब संकुल पे नाम फीड हो जाएगा तब आपका मानदेय बनना शुरू होगा दोस्तों। वैसे आप ऑफलाइन जो प्रक्रिया था, ऑफलाइन प्रक्रिया थी मानदेय की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी ऐसा प्रारूप नहीं है जिससे कि ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिल जाए, तो आज मैं आपको एक अपडेट बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, और क्या अपडेट है, कैसा अपडेट है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है अतिथि शिक्षकों के लिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का सवाल है, नई नई जो भी जानकारी होती है मैं आप लोगों को ज़रूर देता हूँ दोस्तों। आप देखिएगा स्क्रीन पर, आपको बता रहा हूँ, परिशिष्ट एक में दिया था, विमर्श पोर्टल में विद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रविष्ट संबंधित प्राचार्य द्वारा स्कूल के लॉगऑन से की जाएगी, और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता की प्रविष्टि विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखंड के लॉगऑन से की जाएगी। ये दो बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं दोस्तों, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, ये 10वीं और 12वीं वाले जो स्कूल होते हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल प्रविष्ट संबंधित प्राचार्य द्वारा स्कूल के लॉगऑन से की जाएगी, यानी इनका खुद लॉगऑन होता है तो ये जगह खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, सिस्टम इनके पास में रहता है प्राचार्य के लॉगऑन से। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक एवं माध्यमिक, यानी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, इनके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी जो BO sir होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनके जरिए से होगी लॉगऑन की जाएगी। इसके बाद में आगे दिया है, लर्निंग उपरांत निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाए, अतिथि शिक्षक की आवश्यकता, अतिथि शिक्षक का वर्ग जिसकी आवश्यकता 1, 2, 3 और वर्ग 1 अथवा वर्ग 2 की स्थिति के विषय का नाम, उक्त विषय में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक की जानकारी जो कि GFMS पोर्टल में पूर्व से ज्वाइनेड है, यानी पिछला पैनल ज्वाइनेड है, नया पैनल इस बार नहीं बनेगा, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को, जब आदेश आएगा तभी मैं इसके बारे में आपको क्लियरिटी कराऊंगा दोस्तों।
नवीन आवश्यकता का कारण एवं विवरण। अगर आपको अतिथि शिक्षक नया रखना है स्कूल में तो उसका कारण विवरण आपको नोटिस जारी करना होगा, तब आप स्कूल में रख सकते हैं। विमर्श पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। तो विद्यालय द्वारा दर्ज जानकारी विमर्श पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग ऑन पर दिखेगी, जिसके परीक्षण उपरांत रिक्तियों की जानकारी GFMS पोर्टल में जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग ऑन से अपडेट की जा सकेगी। यानी किसी स्कूल में जगह नहीं दिख रही है तो विमर्श पोर्टल से वह जगह GFMS पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन वो होगी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। दोस्तों, तो इसका यह मतलब था कि जिस स्कूल में जगह तो खाली है, ऐसे बहुत से स्कूल हैं मध्य प्रदेश के जहां पर स्कूल में जगह तो खाली है लेकिन दिख नहीं रही है, इसका क्या कारण है। बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे, सर कहाँ से खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो उसके लिए आप अभी सारी प्रोसेसिंग कर लें, और ऐसे स्कूल जहाँ पर जगह नहीं दिख रही है तो जो भाई जहाँ पर काम कर रहे थे, अगर आप GFMS पोर्टल पर अभी खोल के देख लें, अगर खुल रही है तो ठीक है, अगर ना खुल रही हो तो आप एक कमेंट से मुझे ज़रूर कर सकते हैं। जितनी कोशिश रहेगी आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों, मदद करूँगा। अधिक मात्रा में कमेंट्स आते हैं, सबका रिप्लाई नहीं दे पाया, कल थोड़ा ज़्यादा बिजी होने के कारण वीडियो भी नहीं डाल पाया, इसलिए आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी की कमेंट्स का रिप्लाई अगर थोड़ा देर में मिलता है या तुरंत नहीं मिलता है तो आप ऐसा मत सोचिए सर रिप्ले नहीं करते हैं। मैं सभी की कमेंट्स से देखता हूं और सभी का कोशिश करता हूं सभी को रिप्ले देने का। तो अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आज संडे है तो आज तो देखते हैं कि कोई आदेश शायद नहीं आएगा, लेकिन कल फ्राइडे तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती का आदेश आ जाएगा दोस्तों। और आदेश आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलेगी जानकारी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।